वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए ले आए हैं जिसमें एक और क्वेश्चन है जो कि पास्ट एसएससी सीजीएल में आ चुका है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ठीक से देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये है हमारा सवाल, तो प्लीज़ सवाल देख लीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो जाता है तो बहुत अच्छा है, जिससे नहीं होता है वो हमारे साथ देखिए, ठीक है। तो ये सवाल ऐसा है कि हमें बता दिया गया है जी इज़ अ सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हिंदी वालों के लिए ऐसे हो सकता है कि जी जो है एक केंद्रक है किसी त्रिभुज का, जहाँ पे ए बी बी सी और सी ए दिया हुआ है, तो हमें बी जी निकालना है, बस इतना सा ही मतलब है इसका। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर सकते इस ट्राइवल को। अगर इस सवाल को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब हमारे पास ये पता हो हमको कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर निकालने के, देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625, जो कि है 25 का स्क्वायर। तो दो साइड का स्क्वायर का जोड़ेंगे तो किसी तीसरे साइड के स्क्वायर का जोड़ आ जाता है, तब ये पाइथागोरस रूल फॉलो करता है और ये ट्राइंगल हो जाता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा हाइपोटेन्यूस है। सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूस है, तो 25 ये मतलब हाइपोटेन्यूस हो गया। तो चाहे तो हम इसको सी ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, 90 डिग्री बी पे होगा। तो हमारा बी सी कितना हो गया 24 और ए बी हो गया 7। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये चीज़ को इम्पॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि जो मीडियन बनता है, ठीक है, या मध्य बनता है, इंग्लिश में मध्य बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मध्य जो बनता है या मीडियन बनता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस के हाफ होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस के हाफ। तो ये बी हो गया, इसे हम लोग डी मान लेते हैं और हमारा केंद्रक मान लेते हैं जी, ठीक है। तो हमारा बी डी बराबर कितना हो जाएगा 25/2। अब हमें निकालना क्या है, बी जी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कोई भी अगर जो केंद्रक होता है वो अपने मध्य को या मीडियन को 2:3, 2:1 रेशियो में बांटता है, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग 2 होता है, नीचे वाला भाग 1 होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, बी जी बराबर कितना हो जाएगा, बी जी का क्योंकि ऊपर वाला भाग है तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे ये 3 हो जाएगा। 3 क्यों, क्योंकि 2+1=3। अब ये किसका 2/3 भाग है, बी जी या 2/3 भाई बी डी का। तो बी डी कितना हमारा, बी डी लिख लेते हैं पहले, फिर बी डी बिठा देंगे। तो बी डी का वैल्यू हमारा है 25/2, 2 कट गया, आ गया 25/3। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा 25/3 आंसर है बी जी इक्वल टू, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात बहुत था जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो मीडियन बनेगा या मध्य बनेगा वो हाइपोटेन्यूस के या कर्ण के आधा होगा। फिर जो सेंट्रॉयड है, केंद्रक है, ये 2/3 भाग में इसको बांटता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल है, जो आप सॉल्व कर सकते हैं, अनुपात आपको आता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दिया जाएगा। आपको लिंक में एक प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया जाएगा, जो कि हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट का वीडियो है। आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा फॉलो करें, ताकि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा प्लेलिस्ट है जो आपको आराम से एग्ज़ाम निकलवा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि जितना भी वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहुँच जाए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर।